नमस्कार, कृषि जागरण के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे आज दिन भर की 10 बड़ी कृषि खबरों के साथ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी केंद्र रमन के गाठ में श्रेताओं को वर्तमान में खरीफ मौसम की खेती में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचनाओं को साझा किया गया, जिसमें बुआई में कम पानी और ज्यादा पैदावार मिल सके इसके साथ नए कृषि उपकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा घोषित नए मूल्य का लाभ सीधे किसानों को मिले इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रभारियों और बिचौलियों का गठजोड़ खत्म करने पर गंभीरता दिखाई है। जेवर नोएडा में हवाई अड्डे के लिए किसानों के जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए 70% किसानों की सहमति होगी। इसके मद्देनजर 16 जुलाई से गांव में शिविर लगाया जाएगा और जल्द से जल्द जमीन पर कब्जा मिलने के बाद अक्टूबर से हवाई अड्डे का शिलान्यास का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावों का निपटान 2 महीनों में किया जाना चाहिए और ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अगर बात करें तो अधिकारियों और जो उसमें जुड़े सहमतियों हैं उसकी ढीले रवैये के चलते इसमें 5 से 6 महीने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर बताएं तो कृषि विभाग की 30% बजट फसल के प्रीमियम पर खर्च हो रहा है। राज्यों के रिपोर्ट के अनुसार 6 जुलाई 2018 तक 333.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल की बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 14% कम है। और अगली खबर पंजाब से। प्रधानमंत्री पंजाब के मुक्तेश्वर जिले के मल्लोट में किसान धन्यवाद रैली में शिरकत करेंगे और यह आयोजन कराया जा रहा है 11 जुलाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से। दिल्ली नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें जीरो वेस्ट कॉलोनी, इंटीग्रेटेड लैंडफिल साइट, मलबा से टाइल, वेस्ट से एनर्जी और सबसे मुख्य गीले कचरे से खाद का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम में खादी को झारखंड में खादी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की भी मदद ली जाएगी, जिसमें तसर सिल्क की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गर्मी का असर अब सब्जियों पर भी दिखना शुरू हो गया है और सब्जियों पर भी दिखने लगा है गर्मी का कहर। मंडी में सब्जी की आवक कम हो गई है, जिसमें सब्जियों के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है और यह बढ़े हुए दाम लंबे समय तक जारी रह सकता है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश और बागवानी से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश में पुष्प क्रांति योजना से फूलों की खेती कर रहे किसानों को मदद दी जाएगी। यह योजना 150 करोड़ रुपए से तैयार किया गया है और इस योजना के तहत इस साल 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में सभी 5000 कृषक 643 हेक्टेयर भूमि में अभी 87.25 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। और ये थी आज की 10 प्रमुख खबरें। इसी के साथ धन्यवाद।